नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ये संकेत दिया है कि उनकी रणनीति में मौजूदा चेहरों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं पाटीदार समाज से भी 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अब देखना ये होगा कि पाटीदारों का फैक्टर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है, क्या पाटीदारों के भीतर अब भी भगवा जहन में है। वहीं कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। ऐसे में गुजरात चुनाव खासा रोचक होता जा रहा है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने अपने 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में 70 में से 12 पाटीदारों को टिकट दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। मौजूदा विधायकों में से एक का कटा टिकट। बीजेपी ने 70 में से 12 पाटीदारों को दिया टिकट। गुजरात चुनाव में पाटीदारों को लुभाने की बीजेपी की पहल। पिछली सरकार में भी रह चुके बीजेपी के 40 पाटीदार विधायक। कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन जारी। गुजरात में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और पहली लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। मौजूदा विधायकों को ये भी डर था कि टिकट कट सकता है और ऐसे में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जैसा कि यूपी में हुआ था। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में महज एक उम्मीदवार का ही पत्ता कटा। सीएम विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम से लड़ेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल मेहसाणा से अपना भाग्य आजमाएंगे। इसके पहले गुजरात में टिकट बंटवारे को लेकर गुरुवार को गांधीनगर में बीजेपी की बैठक देर रात तक 3 घंटे तक चली। वहीं कांग्रेस भी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, गुजरात के कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस हो या बीजेपी, इस बार गुजरात चुनाव की बात जरा हटके है। अगर बीजेपी पाटीदार आंदोलन या फिर सत्ता विरोधी हवा को देखते हुए सावधानी बरत रही है, तो कांग्रेस अपने 3 युवा और नए सहयोगियों के साथ संतुलन बनाने में जुटी है। यही वजह है कि इन उम्मीदवारों के दिलों में अब भी बेचैनी है, जिन्हें मोटे तौर पर अपने टिकट को लेकर जद्दोजहद चल रही है। आखिर बीजेपी की पहली लिस्ट में 12 पाटीदारों को टिकट दिया गया। हालांकि बीजेपी की अब पूरी कोशिश रहेगी कि पटेलों के भीतर जो विरोध पनपा है, उसे कहीं न कहीं फिर से कैश कर लिया जाए। हालांकि पिछली सरकार में भी पाटीदारों के 40 विधायक रहे, लेकिन कहीं न कहीं पटेल फैक्टर बीजेपी पर हावी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। कांग्रेस को शायद इंतजार था बीजेपी की पहली लिस्ट का और वो जारी कर दिया गया है। अब कांग्रेस किस आधार पर अपने प्रत्याशियों को तय करती है, क्योंकि उसका दावा था कि उसकी सूची तय है, बस इंतजार बीजेपी की लिस्ट का है। हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अब कांग्रेस की मजबूरी होगी कि वो बीजेपी के लिस्ट के हिसाब से या तो सुरक्षात्मक लिस्ट जारी करे या आक्रामक लिस्ट जारी करे, लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के रणनीति से प्रभावित होगी, ऐसा लग रहा है दीपक? बिल्कुल, कांग्रेस की रणनीति में निश्चित तौर पर ये होगा कि कौन कैंडिडेट्स हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी अपने आप की रिस्क को कवर करने के लिए कोशिश की है कि जो लोग चल रहे थे उन्हीं को दोबारा से टिकट दिया है, 3-4 लोगों को छोड़ के।
इसका कारण ये होता है, बदलाव की जो एक ज़रूरत पड़ती है होती है कि एक जो पार्टीज आजकल अपना एक सर्वे कराती हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, उसमें ये देखती हैं कि 10 साल से ऊपर ज़्यादातर जो लोग हो जाते हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग हो जाती है विधायक के लिए लोकल, उस हालत में वो बदलने की कोशिश करते। इसीलिए बीजेपी में एक बहुत, बीजेपी के जो लोग चुनाव की उम्मीद कर रहे थे उन लोगों में एक बहुत एक इस तरह का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बदलाव कर दिया जाए। और ये बदलाव तब संभव होता है जब आपके पास शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जैसा हो जिसके नाम पे आपको वोट मिल सकती हो। तो ये पहली बात तो ये लगा कि बीजेपी में एक तरह की इस बात की कहीं ना कहीं आशंका रही है कि अगर उनने लोग अपने छोड़ दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अदला बदली हो जाए और कांग्रेस ने अपने टिकट्स रोके। लेकिन कांग्रेस की देरी का एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके साथ नए अलायंसेस हुए हैं, ये जो तीन या जो युवा नेता हैं ये सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसमें हार्दिक पटेल को तो टिकट मिल नहीं सकता क्योंकि वो 25 साल के भी नहीं है, बाकी तो शायद ये दोनों नेता भी टिकट लेने की कोशिश करें और अपने लोगों को। तो इस सबको बैलेंस बनाना और परंपरागत पुरानी जो पार्टी के वहाँ से कैंडिडेट्स थे उन सबके भी बनाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल काम था बजाय बीजेपी के। बिल्कुल, तो किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है फिलहाल पार्टी कार्यालयों में, क्योंकि टिकट की घोषणा से पहले काफ़ी लॉबिंग चलती है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, राजनीतिक दलों के कार्यालयों में इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही होगी, कांग्रेस कार्यालय में क्या स्थिति है? जी, अभी जो आज की स्थिति है कांग्रेस अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। कांग्रेस अभी तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है कि बीजेपी किसको टिकट देती है या बीजेपी जो टिकट देती है उसके अपोज में हमें कैसे टिकट डिक्लेयर करनी है। आज जिस तरह 70 उम्मीदवारों की प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है उसमें 15 पाटीदार कैंडिडेट है और पाटीदार के और कहीं और कैंडिडेट के बीच में 5 पैराशूट कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए वोटिंग किया था बीजेपी के साथ, बीजेपी के समर्थन में। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आज जो बीजेपी ने जिस तरह लिस्ट जारी की है उसमें 15 टिकट पाटीदारों के, 2 चौधरी के हैं, 8 टिकट ठाकुर को है, 5 कोहली के लिए है, क्षत्रियों को 6 टिकट दिए हैं, ब्राह्मण को 2 और जैन को 2। भीलोड़ा से बीजेपी ने वहां के एसपी पीसी बरांडा को मैदान में उतारा है जो एसटी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अभी थोड़ी दिन पहले इस्तीफा उन्होंने दिया था, अपनी इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की आशंका जता दी थी। इस तरह का माहौल लेकर कहीं ना कहीं विकासवाद के साथ जातिवाद का बड़ा फैक्टर यहाँ चुनावों में इस समय हावी है, गुजरात के चुनावों में। जी चंद्रशेखर, कांग्रेस अभी भी किस इंतजार में है, क्यों देर हो रही है लिस्ट जारी करने में, क्या जो युवा नेता है आंदोलनों के उनसे तालमेल नहीं बैठ पाया है? दरअसल अल्पेश अपने इलाकों के 10 से 12 टिकट अलग मांग रहे हैं, दिनेश मेवानी अलग टिकट मांग रहे हैं, हार्दिक पटेल बहुत बड़ी संख्या में टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। ऐसे में कांग्रेस के लिए उहापो की स्थिति यह है कि जो उनका परंपरागत जो उनका कार्यकर्ता है और 61 सीटों पर कांग्रेस खुद उनके स्वयं के विधायक है, तो कांग्रेस अगर 100 मारने का कोई विजन खुद के पास रखती है तो उसको कहीं ना कहीं अपने अपनी परंपरागत सीटों पर भी चुनाव लड़ना आवश्यक है। तो ऐसे में अभी ये स्थिति सामंजस्य बैठ नहीं पाया है कि टिकट पहले चरण के टिकट में किसको टिकट देने हैं, इसलिए शायद लगातार देरी हो रही है। लेकिन आज अभी टीसी की बैठक चल रही है दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमेटी की, वहां शायद तय हो सकता है आज रात को कि टिकट डिक्लेयर कर दे कांग्रेस आज। बिल्कुल, हमारे साथ है बीजेपी गुजरात के सचिव अमित भाई ठक्कर जी जुड़े हुए हैं। अमित भाई जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार अमित भाई जी, बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है अपने उम्मीदवारों को लेकर, लेकिन केवल अपने ही नहीं उन्होंने कांग्रेस से आए उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर 22 साल से शासन में है, जो विकास की राजनीति हमने यहाँ शुरू की जी, हमारा भरोसा उस पे है। हमारे कार्यकर्ता जो काम में लगे हुए हैं, उस कार्यकर्ता को हमको यदि टिकट देना है तो भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में जब लड़ रही है जी। तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो सूची डिक्लेयर हुआ उस वजह से कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ है, उनको अभी तुरंत अपना सूची डिक्लेयर करना पड़ेगा। उनमें बहुत सारे झगड़े हैं, सारे नेता एक मत नहीं है, बहुत जगह पे उनको उस प्रकार के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को टक्कर दे, पर अभी हमारी सूची डिक्लेयर करने से उनको ये प्रेशर बिल्टअप हुआ है कि वो अपनी सूची डिक्लेयर करे और उस हड़बड़ाहट में
वो ऐसे उम्मीदवार कल डिक्लेयर करेंगे जिससे उनकी पुनः एक बार हार होगी। चलिए, ये तो आप चाहेंगे ही। बहरहाल, हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? अमित भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अभी 19 नहीं हुए हैं उसका क्या कारण है? जो 19 लोग अभी और डिसाइड होने, क्योंकि 89 लोगों को लड़ना है इस पहले चरण में, तो वहां पे क्यों सीट फंसी हुई है? क्या वो कांग्रेस के इक्वेशन देख के कर रहे हैं या आपके अंदर अंदर कोई अंतर विरोध है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो समर्पित कार्यकर्ता होता है, उसको अंतर विरोध का विषय होता नहीं, परंतु स्ट्रेटेजी को देखकर कुछ सीटों के ऊपर उस प्रकार से जा सकते। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अहमद भाई को जिताने के लिए उन्होंने जो 45 एमएलए का उन्होंने प्रॉमिस किया था, कम से कम वो 45 एमएलए को तो वो डिक्लेयर कर ही सकते थे। उनमें तो उनका प्रॉमिस है, अहमद भाई ने पब्लिकली टेलीविजन में माइक के ऊपर कहा है कि मैं आपको टिकट भी दूंगा और मैं आपको जिताऊंगा भी। ये स्क्रीन के ऊपर पूरे गुजरात ने, पूरे देश ने सुना है। वो 45 सीट डिक्लेयर करने में भी कांग्रेस को दिक्कत है। तो कुल मिला के परिस्थिति ये है कि कांग्रेस के एक को पकड़ने जाते हैं तो गुजराती में कहवत है ना। लेकिन अमित भाई, हम ये जानना चाह रहे थे कांग्रेस को क्या तकलीफ है, ये तो कांग्रेस निपटाए। आपने 19 उम्मीदवारों के पहले चरण के चुनाव को लेकर 19 उम्मीदवारों के नाम नहीं जारी किए, उसमें भी क्या कोई तकलीफ है? भाई साहब, आप 70 उम्मीदवार हमने डिक्लेयर कर दिए जी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं और 19 को रखे है पकड़ के। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट है जी। और जिस प्रकार से कांग्रेस को अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करने में दिक्कत हो रही है, उतनी ही दिक्कत उनको चुनाव जीतने में भी होगी। उनके पास तो मुद्दे नहीं है, उनके पास नेता भी नहीं था, अब ये पता चल रहा है कि उनके पास जीतने वाले उम्मीदवार भी नहीं। चलिए, देखते हैं क्या करती है कांग्रेस, ये तो बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। हमारे साथ हिरेन लेहरू जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हिरेन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। हिरेन जी, पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो गई है, अब कांग्रेस किस इंतजार में है, क्या लगता है आपको? हर बार गुजरात के माहौल में ऐसा देखा जाता है कि पहली लिस्ट कौन सा राजकीय पक्ष डिक्लेयर करता है ताकि उनके प्रत्याशी देखने के बाद अपने प्रत्याशी डिक्लेयर हो, पर हर बार कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जो भी हो एक दूसरे के लिस्ट देखने के बाद ही अपनी लिस्ट जारी करती है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट डिक्लेयर की हुई है, पर अभी तक कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं हुई है। तो देखना ये है, प्रजा, गुजरात की प्रजा यही देखना चाहती है कि किसकी लिस्ट में कौन कौन कितने प्रत्याशी जाहिर होने वाले हैं। तो अभी माहौल यहाँ पर गुजरात में बहुत ही गरमाया हुआ है, राजनीति के तौर पर पूरे भारत का ध्यान अभी गुजरात पर केंद्रित हुआ है। तो अभी तक कांग्रेस ने लिस्ट जाहिर नहीं की है, उस पर भी अभी सवाल या निशान आ रहे हैं कि अभी तक क्यों जाहिर नहीं किया है। बिल्कुल, यही तो सवाल है बड़ा हिरेन जी। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, एक संदेश गया कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर आशान्वित है, इस वजह से वो कांग्रेस के प्रत्याशियों की चिंता नहीं कर रही और अपने मजबूत प्रत्याशी के चुनाव में जुटी हुई है? नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, वो आगे कांग्रेस के, पहले ही उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस अभी तक अपना एक भी प्रत्याशी, अपना एक भी दावेदार का नाम जाहिर नहीं कर पाई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक दो साल से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी और कांग्रेस पार्टी अब किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, कौन सा मुद्दा है, क्या है, वो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन में दिखती है, ऐसा प्रजा में ऐसा माहौल दिखता है अभी। जी संजय जी, क्या लगता है किस तरह का कंफ्यूजन होगा कांग्रेस आलाकमान में? क्या वो राजनीतिक समीकरण बिठाने में लगे होंगे, विकास के मुद्दे को लेकर प्रत्याशियों के चयन में होंगे, या फिर जातीय समीकरण जो इस वक्त उनके खेमे में काफी महत्वपूर्ण लग रहा है उसे सेट करने में लगे हैं? दीपक, हम ये समझने की कोशिश करें कि जब चुनाव होता है, एक स्थापित पार्टी जैसी बीजेपी है, पूरी स्थापित लीडरशिप, पूरा स्ट्रक्चर और जो इतने साल से राज कर रही है, उसके बदले में कैंडिडेट देने के लिए आपके साथ बहुत सारी कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत होती है। एक कॉम्बिनेशन जो कभी कभी किसी विरोधी पार्टी को पक्ष में होता है वो ये होता है कि उनके यहाँ छोटे 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 बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कोई पिछले 5-6 साल में काम कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में से चॉइस करना। दूसरा, ये सबसे बड़ी चुनौती कि क्या वो छोटे छोटे लोग हैं
वो चुनौती देने लायक हैं, वो खुद तो अपनी मर्जी से ये सोचते हैं कि वो इस लायक हैं, लेकिन वो चुनौती असल में दे पाएंगे उस पार्टी को जो पहले से इतनी स्थापित है, लीडरशिप स्थापित है जी। तो जो इस तरह की पार्टी है उसके सामने ये चुनौती रहेगी। इस बार कांग्रेस बहुत साल बाद कम से कम चुनाव में चर्चा में और प्रतिस्पर्धा में नजर आ रही है। पहले तो एक तरफा चुनाव होता था, जब तक नरेंद्र मोदी गुजरात को राज कर रहे थे तो कांग्रेस की चर्चा तक नहीं होती थी। इस बार वो प्रचार के शुरुआती दिनों में कांग्रेस ने ऐसा दिखाया कि वो टक्कर देने की कोशिश कर रही है। तो बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स इस उम्मीद से कांग्रेस की तरफ से आएंगे कि हमें बीजेपी में तो मौका मिलना नहीं है क्योंकि वहां सब कुछ पहले से तय है, हम एक ऐसी नई फोर्स के पास जाएं जहां हमें कोई मौका मिल सकता है। ये चॉइस को और मुश्किल बना देती है। साथ साथ ये जो जातीय समीकरण, अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह दें या फिर बाहर से आए लोगों को तरजीह दें, अपने कार्यकर्ताओं को नाराज कर लें। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नौशद देसाई जी जुड़े हुए। नौशद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नौशद जी, आवाज मिल रही है आपको? नौशद जी आवाज मिल रही है? नौशद जी, अब कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या है। बीजेपी ने टिकट की लिस्ट जारी कर दी है, 70 लोगों का चयन कर लिया है, कांग्रेस अब पिछड़ रही है। दो मुद्दा है, दो पॉइंट है जी। तमाम विपक्ष की छोटी छोटी सारी पार्टियों को कांग्रेस एकजुट करना चाहती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, जो तीन अलग अलग समाज ने आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ, समाज को एक साथ जोड़ना चाहती है कांग्रेस, इसलिए थोड़ा संभलम हो रहा है। तो एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, थोड़ी आवाज में गड़बड़ी है। हम दोबारा जुड़ते हैं नौशद जी से, फिर उनकी और विस्तृत प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन इस बीच इसमें दीपक, मैं बीच में आके जो नौशद जी बोल रहे हैं वो लगभग वो बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा था कि बहुत सारी नई धाराएं, एस्पिरेशंस हैं जिनको समेटना बड़ा मुश्किल होता है, और समेटते हुए ये भी चुनौती होती है कि वो सचमुच में उस हद तक पहुंच पाएंगे जहां वो जीतने की स्थिति बने। बिल्कुल, यही अमित भाई ठक्कर जी से जानना चाहते हैं, क्या उन्हें इन युवा आंदोलनकारियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है जो बड़ी संख्या में सड़कों पर तो नजर आए थे और बीजेपी के खिलाफ नजर आए थे? अमित भाई जी, नहीं, ये देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता को हमने सुना जी, लास्ट 22 साल में कांग्रेस का हाल क्या हुआ? कभी वो चिमन भाई पटेल की जनता दल गुजरात से आई हुई पीढ़ी के ऊपर भरोसे पे रहते हैं, कभी वो जो आरजेडी अपना शंकर सिंह वाघेला का जो पार्टी है उसके ऊपर रहते हैं, कभी वो अल्पेश हार्दिक या जिग्नेश के ऊपर रहते हैं जी। इनका खुद का कुछ नहीं है, यदि उनको इलेक्शन लड़ना है जी। तो उनके लिए तो बीजेपी से ज्यादा सहूलियत होनी चाहिए। बीजेपी के पास इतने साल का सत्ता का जो कार्यक्रम है उस वजह से 25 कार्यकर्ता वहां मांगने वाले हैं। आपके पास तो 5 साल कार्यकर्ता डेवलप करने के लिए है, आप 5 साल काम नहीं करोगे, 5 साल विरोध नहीं करोगे, 5 साल व्यक्तिगत काम धंधे में व्यस्त रहोगे, और आखिर में 6 महीने में जो भी बीजेपी के सामने खड़ा होता है उसके ऊपर सवार होकर आप राजनीति करने के लिए आओगे, और उनको आप अपने 20-25-30 सीट दे दोगे तो जो कार्यकर्ता काम आपका करता है वो कार्यकर्ता भी निराश होने वाला है आपसे, वो आपसे नाराज होने वाला है। ये समस्या शायद नौशद भाई बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। नौशद जी, आपने जिस तरह से कहा कि हम तमाम ऐसे लोग जो बीजेपी के खिलाफत में सड़कों पर और आंदोलनरत हैं उन्हें एकजुट करके एक बड़ा विरोधी खेमा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कहीं अपने कार्यकर्ताओं को ही नजरअंदाज न कर दें, इतना जोखिम उठा सकती है कांग्रेस? देखिए, सबको साथ लेके चलना है तो थोड़ा थोड़ा सबको तो जस्टिस देके समझाना की कोशिश करनी पड़ेगी। बड़ी समस्या तो है, एक बड़ा जब बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो सवाल से हर लोगों से थोड़ा थोड़ा बलिदान तो देना पड़ेगा, तभी एक बड़ी लड़ाई आगे बढ़ेगी। लेकिन नौशद भाई, किसी भी लड़ाई में अपने ही सिपाहियों का बलिदान देना कोई समझदारी वाली रणनीति नहीं कही जाती? सर, गुजरात में लोकतंत्र बचाना है और आर्थिक समानता की लड़ाई है और इसमें सभी लोगों का सहयोग देना पड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं जो पार्टी के लिए बलिदान दे रहे हैं उनको भी थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा। सबको जोड़ना है तो क्या करेंगे,
सब समाज और जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, लाठी गोली के खिलाफ जी, अत्याचार के खिलाफ, तो सबको साथ लेना है और सारी विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेना है, तो ये तो थोड़ा विलंब तो होगा और ये समस्या तो है छोटी सी जी। ये जी, आपको भले ही छोटी सी समस्या लग रही हो, लेकिन प्रचलित कहावतों पर अगर ध्यान दे तो संजय जी, ये भी कहा जाता है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़े, और फिलहाल राहुल गांधी मठ मंदिरों के दर्शन में लगे हुए हैं, तो वो जो कुछ अपना चुनावी मुद्दों को लेकर अपने प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो धार्मिक आधार क्यों ना हो, जिसे सेक्युलरिज्म का वो जो हार्ड कोर सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा कम हो, इसके बावजूद इतने लोगों को एक साथ लाने की ये कोशिश, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। दीपक, ये बात तो ठीक है कि गुजरात वो प्रयोगशाला है, अगर आप गुजरात की हिस्ट्री में 60s तक भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता लगेगा कि गुजरात वो जगह है जहाँ देश में बहुत शुरुआती दौर से ही हिंदुत्व जैसी कोई ना कोई भावना रही है, और कई लोग तो ये तक आरोप लगाते थे कि जो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे मुरारजी देसाई, उनका टिल्ट भी हिंदुत्व की तरफ था, हालांकि वो अपने आप वो गांधीवादी के रूप में जाने जाते हैं। तो गुजरात एक ऐसी जगह है जहां आप हिंदुत्व को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात अलग है कि बीच का दौर ऐसा आया कि जो खाम वगैरह जैसे प्रयोग हुए जिनमें कांग्रेस ने जो मुस्लिम हैं उनको हाथ पकड़ना शुरू किया, लेकिन अब स्थिति ये लग रही है, अब आप देखिए कि कांग्रेस के प्रचार में एक मुस्लिम का फेस भी नहीं ऑफर कर रहे, बीजेपी तो खैर टिकट देती नहीं उनको, वो तो घोषित है, लेकिन वो भी इस बात से बच रहे हैं, और अब राहुल गांधी शिव भक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो क्या है, लेकिन वो चौड़े में कह रहे हैं कि वो शिव भक्त हैं, वो भी पंडित नेहरू जैसे परिवार से आए हुए जो बिल्कुल अपनी धार्मिक आस्थाओं के बारे में लोगों को कहा करते थे कि इन्हें हमें पब्लिक नहीं करना चाहिए जी। तो क्योंकि गुजरात ऐसी जमीन है, यहाँ का वोटर ऐसा पसंद करता है कि वो उनकी धार्मिक मान्यता क्या है, तो अब प्रचार के लिए राहुल गांधी भी भक्त बन रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी तो पहले से ही सारे उन चीजों में आगे रहते हैं, जब सारा जो फास्ट चलता है उसका पूरा प्रचार होता है उनका, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व मुझे लगता है ये गुजरात से शुरू होके सॉफ्ट हिंदुत्व था, अब ये जो 2019 तक कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में चलेगा जी, तो ये चलता रहेगा सिलसिला, ये लहर खत्म नहीं होने की कोशिश करवाई जाएगी तमाम राजनीतिक दलों से, क्योंकि इससे फायदा ही होता है। हिरेन जी से इस बीच जाना चाहेंगे, हिरेन जी, क्या अब भी ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दल विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे? शायद विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है, 22 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ 12 साल तक राज किया है, और लोग भी यहाँ पर देखते हैं कि कैसा विकास का क्या था 22 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था यहाँ पर, तब विकास के रास्ते में रास्ते कैसे थे और हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी कैसी थी, 108 जैसी सुविधाएं देखो, महामृतम योजना का हेल्थ में देखो आप, तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचने पर मजबूर है कि 22 साल पहले परिस्थिति कैसी थी और हाल में परिस्थिति कैसी है, तो वो बीजेपी के लिए अपने ही प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा, पर अब कांग्रेस ने हिंदुत्व का मुद्दा अभी हाथ में लिया है, सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रहा है कांग्रेस, लेकिन जनता अब शायद इतनी समझदार है कि वो दिखावों और हकीकत में फर्क कर सके, खासकर अगर गुजरात की बात करें तो जहां से खुद देश के प्रधानमंत्री आए हैं, और थोड़ा वो भावनात्मक लगाव भी बीजेपी को मदद कर सकता है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद देसाई जी, हिरेन लेहरू जी, संजय शर्मा जी, अमित भाई ठक्कर जी, और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर अहमदाबाद से जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।